जहां एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना का कहर है, तो वहीं भारत भी अब इसमें पीछे नहीं रहा। सुन तो लिया ही होगा आपने कि भारत वर्ल्ड में 5वें नंबर पर कोरोना मरीज के मामले में आ चुका है। हालांकि मामला उतना गंभीर सरकार की नजर में नहीं लगता, पर अगर आप सोचें तो दिल्ली और महाराष्ट्र के हालात आपको खुद ही दिख रहे होंगे। आज की बात करें तो ताजा जानकारी ये है कि महाराष्ट्र अब कोरोना के मामले में वुहान को पीछे छोड़ चुका है। अगर हम देखें तो चीन में कुल कोरोना वायरस के मामले 83,036 ही थे, मगर महाराष्ट्र में आज कोरोना के टोटल मामले 85,975 तक पहुंच गई है। वहीं चीन में कोरोना के मरने वालों की संख्या 4,000 के आसपास ही बताई गई है, पर महाराष्ट्र भी इससे पीछे नहीं रहा, क्योंकि महाराष्ट्र में अब तक 3,060 लोगों की मौत हो चुकी है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, एक एक दिन में 3,000 से 4,000 केस निकल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली भी अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो ताजा जानकारी है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी अब संक्रमण की चपेट में है। आपको बता दें कि तमाम गतिविधियों, तमाम लॉकडाउन और तमाम तरह की महीनों कार्रवाई के बाद भी महाराष्ट्र में कोरोना वायरस को रोकना असफल सा होता जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में अभी तक कोरोना वायरस के जो मामले हैं उनमें 39,314 लोग स्वस्थ हो चुके हैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। मृत्यु दर 3,060 हम आपको बता ही चुके हैं, पर 43,561 केस अभी भी एक्टिव महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें कोरोना के प्रसार को रोकने की, तो राज्य में काफी टाइम तक लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन खोलने की मंशा के बाद भी वहां के प्रशासन ने लॉकडाउन को नहीं खोला है, लेकिन जनता की परेशानी को देखते हुए अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी ढील जरूर दी गई है। हालांकि इस बीच जिस तरह से कोरोना के मामले में वृद्धि हो रही है, सरकार ने इसे लेकर लोगों को सोशल डिस्टेंस के नियमों में सख्ती का पालन करने की गुजारिश जरूर कर रहा है, पर ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में सोशल नेटवर्क का पालन कितना हो रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो एक दिन ये डरावने हो सकते हैं आपके लिए, हमारे लिए और इस देश के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा, क्योंकि कोरोना नहीं जानता कि आप कौन है। नमस्कार।